हेलो फार्मर्स, ये हमारा वीडियो उनके लिए है जो नए बकरियों का पालन करना चाहते हैं या जो शुरू कर चुके हैं उनके लिए है। तो हम चलिए बताते हैं कि सुबह में जो इन बकरियों का देख रेख किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए। तो चलिए उनके बारे में हम कुछ जानकारियाँ देते हैं जो कि सहायक हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जानकारियाँ आपको कैसी लगी। तो सर्वप्रथम आपको सुबह में आप गाय खिलाने वाले दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं और लगभग 2 से 3 बकरियों को एक पाव दाने दे सकते हैं। दाने खाने के आधे घंटे बाद आप कुटी दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कुटी किस प्रकार से दें और कुटी में क्या क्या मिलाएं। तो आपको हम बता देते हैं कि कुटी में सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ होता है घाटा, जो कि आप मकई का दर्रे का बनता है, आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम और भी चीज़ आप मिला सकते हैं, जैसे कि चोकड़ हो गया और या तो फिर आप खली भी मिला सकते हैं, जो कि सेहत के लिए उनके ठीक ही होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो हमारा घाटे बनाने का बर्तन है, और सभी को आप मिक्स कर दें और थोड़ा नमक भी दे करके, ताकि चटपटा हो जाए और पाचन क्रिया में भी सहायक रहे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये सभी चाव से खा रहे हैं और सभी खेंद्रियों में अलग अलग बांट दिया गया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक खेंद्री में 4 पराठे दे दी गई हुई। अब जिस अनुसार से बकरियां हैं उस अनुसार और जिस अनुसार से वे खाते हैं उसी अनुसार से आप सानें और उन्हें दे दें, ताकि वो अच्छा से ख़त्म कर सकें, ताकि बर्बाद ना हो और ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो। तो आप उसी अनुसार से सानें और उन्हें दें। और ये इन्हें सुबह में दिया गया हुआ है, दोपहर में इन्हें घास दिया जाएगा और घास से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जहाँ तक हमारी संभव है, जहाँ तक हम इन्हें देते हैं, वो सारी जानकारियाँ हम आपको पार्ट 2 में वीडियो के माध्यम से हम अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी नए फार्मिंग करना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करें हमारा वीडियो, ताकि इसे सीख करके वो अपने फार्मिंग गोट फार्मिंग को अच्छी तरह से बेहतर बनाएं और कम कॉस्ट में। पार्ट 2 में आने वाला वीडियो नो कॉस्ट 0 ऑफ कॉस्ट में आप इनका पालन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।